अच्छा, जो सहाबाए किराम रज़वान अल्लाह अजमईन थे, उनमें से शियाने अली भी थे काफ़ी सारे, तो उनमें किसी में कोई इमामत का अकीदा पाया जाता था सहाबाए किराम में? क्योंकि अहले तशय्यु तो कहते हैं ये अम्मार इब्ने यासर थे, अबू ज़र गफारी थे, मीसम तमार, इसके अलावा मिकदाद के बारे में भी रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के बारे में कहा जाता है कि ये शियाने अली थे और ये इमामत पर कायदा अकीदा रखते थे, तो क्या अहले सुन्नत में कोई ऐसी दलील मिलती है? देखें, अहले सुन्नत में ऐसी कोई दलील नहीं है। अच्छा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम जी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली करम अल्लाह वजहु, मेरा तो तीनों पे यकीन है। अच्छा, मैं जब जी चाहे जिस मर्जी लकब को या किसी भी जुमले को उनके साथ इस्तेमाल करूँ, मेरी अपनी हुब है, मेरी अपनी मोहब्बत है, मैं देखता हूँ कि कब मेरे दिल से कौन सी मोहब्बत का इजहार करना मकबूल नज़र आता है या मैं कौन सी जो है अदा करूँगा तो मेरा दिल जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो हैं, इनकी अमामत मंसूस मिनल्लाह के बारे में मेरा वही अकीदा है जो हमारे मौलाना मरहूम रहमतुल्लाह अलैह का था कि अमामत मंसूस मिनल्लाह नहीं है। अच्छा, लेकिन अली इमाम बरहक इस हवाले से हैं कि वो मुसलमानों के चौथे खलीफा रहे हैं और उनके हक में नबी अलैहिस्सलाम की बेशुमार अहादीस तायदी तौर पर आई हैं और उनकी विलायत यानी वो बंदा खुदा हैं और खालिस बंदा खुदा हैं और अब्दुल्लाह हैं वो उसके बारे में बेशुमार उनकी विलायत की हदीसें हैं। अच्छा, विलायत बमाना इमामत मंसूस मिनल्लाह, ये ऐसी कोई चीज़ जो है ये इस्तंबाती तो है, इस्तखराजी तो हो सकती है, लेकिन कतई और यकीनी नहीं है। अच्छा, कतई और यकीनी नहीं है, ठीक है। तो इससे किसी को हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में दुश्मन कहना कि जो लोग इमामत मंसूस मिनल्लाह नहीं मानते हैं ये लोग सारे के सारे दुश्मन अमीरुल मोमिनीन हैं, तो ऐसे कहने वाला आदमी जो है वो बेखबर है अहले सुन्नत के अकायद से। अच्छा, बेखबर है, हम उससे गुजारिश करेंगे कि आप पढ़िए इस बारे में, कोई वाज़े दलील इनके यहाँ भी नहीं है। हाँ, मिला जुला कर अभी अपना ज़ोर आजकल लगा रहे हैं, जब से मौलाना के इमामत के खुतबे गए हैं तो उस वक्त से ये हमारे भाई ज़ोर लगाते हैं, तो लगाते रहें। हम इनसे कहेंगे कि ना हम ख़त्म होने वाले हैं ना आप ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन इस मसले की वजह से आप एक दूसरे को जो काफिर कहते हैं और एक दूसरे को जहन्नुमी कहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है।